चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त अपडेट मिल रही है, बीजापुर में बारिश का सितम अभी भी जारी है और इस बारिश ने तबाही मचा दी है। कई जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और टापू बन चुके हैं। कई घटनाएं भी इस बीच सामने आई हैं जहां कई इलाके जलमग्न हो गए। इस बीच दो महिला समेत तीन बच्चे नाले में बह गए। रेस्क्यू टीम के द्वारा इन्हें बाद में बाहर निकाला गया। नगर की सेना टीम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भारी बारिश के बीच में कई जिले तबाही की कगार पर हैं, कई इलाके डूब गए हैं और यहां पर रहने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस बीच कई घटनाएं भी सामने आ रही हैं जहां कई लोग इस बाढ़ जैसे हालात में बह गए। आपको बता दें बीजापुर में भी नगर की सेना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर वहां लोगों को बचाने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तस्वीरें आपको बीजापुर के इस वक्त दिखा रहे हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो चले हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं और इन सब के बीच में यहां रहने वाले लोग बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। कई लोगों के बाढ़ के पानी में बहने की भी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं नगर की टीम यहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।